गांव में रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटा के साथ रहता था। गोपाल एकदम मूर्ख था। वह कोई कामधाम नहीं करता था और घर में रहकर ही रोटियां तोड़ता रहता था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे और उसे कुछ कमाने के लिए कहते, लेकिन गोपाल को कोई भी काम नहीं आता था और न ही उसे कोई काम देता था। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपने बेटा गोपाल की शादी करवा दी। उसकी पत्नी कुछ दहेज लेकर आई थी जिससे गोपाल के घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है और उससे कोई काम नहीं होगा। वह अपने ससुर से कहती है, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला है क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ, इससे घर नहीं चलता, घर में कुछ भी नहीं है। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम गोपाल को समझाओ कि वह कुछ काम करे। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है, बस सारा दिन बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। अगले ही दिन सुमित्रा गोपाल से कहती है, बेटा अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो तेरे घर का गुजारा कैसे होगा? तेरी पत्नी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। तू कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आ, ये कुछ पैसे हैं, तुझे रास्ते में इनकी जरूरत पड़ेगी। माताजी की बात मानकर वह ज्ञान की खोज में निकल जाता है। कई दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी को प्रणाम कर उसने कहा, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप लोगों को ज्ञान देते हो। मैं कई दिनों से किसी ज्ञानी को ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने आपके बारे में बताया, इसीलिए ज्ञानी जी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूं। दी, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही, मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता, उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अब ज्ञानी जी, आप ज्ञान देने की कितनी कीमत लेंगे? एक ज्ञान का एक पैसा। सुमित्रा ने गोपाल को 50 पैसे दिए थे, लेकिन मूर्ख गोपाल के पास 4 पैसे बचे थे, वह उसने ज्ञानी को दे दिए। 4 पैसे लेकर ज्ञानी बोला, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 4 ही ज्ञान की बातें बताऊंगा। पहला ज्ञान यह कि 5 आदमी जो कहें उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान यह कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातें अच्छी तरह से याद कर मूर्ख गोपाल अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जमा है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख गोपाल वहां पहुंचा। लोगों ने कहा, भाई तुम हट्टे कट्टे हो, इस लाश को उठाकर कहीं फेंक आओ, ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा। मैं इस लाश को क्यों फेंक कर आऊं? ना तो ये मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला, फिर मैं क्यों इस लाश को फेंक कर आऊं? लेकिन तभी गोपाल को ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आ गई कि 5 आदमी जो कहें उसे सच मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को एकत्र किया और अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपने घर चला आया। घर आकर उसकी पत्नी ने पूछा, आ गए ज्ञान सीखकर? क्या ज्ञान सीखकर आए हो? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पता थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ,
लेकिन किसी को बता नहीं सकता क्योंकि ज्ञान सीखने के पैसे लगते हैं, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। तुम कैसी बेतुकी बातें करते हो, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतने दिन घर से बाहर रहे फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। गोपाल अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता और ना ही भिखारी के कपड़ों से मिले रुपयों के बारे में बताता है। अब मूर्ख गोपाल के पास अनेक रुपए थे, उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे, उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाट बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन गोपाल की पड़ोसन अपने आदमी से कहती है, जिसे लोग पागल कहा करते थे आज देखो कितना मालदार हो गया है, कितना सुंदर घर बनवाया है, और एक तुम हो, अपने आप को अक्लमंद समझते हो, सुबह से शाम तक मजदूरी करते फिरते हो, तब कहीं जाकर एक दो रुपए कमा पाते हो, उस पागल से ही कुछ सीखो। मैं उस पागल से क्या सीखूं? जो उसके नसीब में है वो उसे मिल रहा है और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल रहा है। तुम सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहना, दुनिया आगे निकल रही है और तुम नसीब के पीछे पड़े हुए हो। मैं ही कल उस पागल गोपाल के घर जाऊंगी और उसकी मालदारी का राज पूछ कर आऊंगी। अगले ही दिन पड़ोसन गोपाल के घर आई और उसकी पत्नी से बोली, निश्चित रूप से वो कोई गलत तरीके से धन कमाता है। अगर वह आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं वह किसी गलत तरीके से पैसे तो नहीं कमा रहा। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। रात को जब गोपाल घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप क्या काम करते हो, ये आपने आज तक मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताना उचित न समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो समय से पहले ही सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरा कर देता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम क्या काम करते हो। मुझे डर है कि कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूँगा, मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी। मैंने तो तुम्हें कभी मेहनत करते देखा ही नहीं, सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर तुम मेहनत करने कब जाते हो। सच सच बताओ तुम क्या काम करते हो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। गोपाल सोचता है कि उसे बता देता हूँ, लेकिन तभी उसे ज्ञानी की बात याद आ जाती है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल मैंने बाजार से 1 किलो देशी घी खरीदा और उसे रात को 12 बजे एक सांस में पी लिया। उसे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन अपने पति से कहती है, मुझे मूर्ख गोपाल की मालदारी का राज मालूम हो गया है, तुम जल्दी से बाजार जाकर 1 किलो देशी घी ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो, ये बात मैंने कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को ये बात मालूम होती तो आज हर कोई मालदार न होता। उसका पति जल्दी से बाजार से 1 किलो देशी घी ले आता है। और रात को 12 बजे एक सांस में घी पी लेता है। घी पीने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। पेट दर्द इतनी जोर से होता है कि वह तड़पने लगता है और अंत में मर जाती है। उसका पत्नी राजा के पास जाकर शिकायत करती है, महाराज मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ बताओगी भी या रोती ही रहोगी? महाराज मेरे पति का इंतकाल हो गया है, उसने 1 किलो देशी घी पी लिया था जिससे उनके पेट में दर्द हुआ और वह मर गए। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो, अगर कोई आदमी 1 किलो देशी घी पिएगा तो वह मरेगा ही, तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? नहीं महाराज, मेरे पति पागल नहीं थी, पागल तो वह मूर्ख गोपाल है जिसने मुझे ये नुस्खा बताया था। उसने कहा था
कि अगर कोई आदमी रात को 12 बजे एक किलो देशी घी एक सांस में पी जाए तो वह मालदार हो जाता है। इसलिए मैंने अपने पति को एक किलो देशी घी पिला दिया। राजा ने मूर्ख गोपाल को बुलाया और सारा माजरा पूछा। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी को 4 पैसे देकर 4 ज्ञान की बातें सीखी थी। उसने कहा था कि अगर 5 आदमी कोई बात कहें तो उसे मान लेना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सही बात नहीं बतानी चाहिए और अपने राजा से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मेरी मालदारी का राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने देशी घी पीकर धन की प्राप्ति की है। उसी ने इसको बताया होगा। राजा गोपाल की सच बोलने से बहुत खुश होते हैं और उसे ढेर सारा धन देकर विदा करते हैं।